हेलो, अस्सलामु अलैकुम। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आज के बताने वाला हूँ। देखो, ये आनु का स्टडी टेबल है। ये आनु का नहीं है बोलो तो, ये मेरा टेबल है। मास्टर्स के टाइम पे मैंने खरीद लिया था। अभी तो आनु का काम आया क्योंकि आज मैंने इसको अच्छे से सफाई कर दिया है। अभी आनु को पढ़ाना थोड़ा थोड़ा करके स्टार्ट कर रही हूँ, जो एक दो शब्द करके वो सीखे। आदत बनाने का कोशिश कर रही हूँ क्योंकि 8 महीने 10 महीने बाद उसको ऐसे ही एडमिशन दिला दूँगी। तो ये देखो, बहुत सारा बुक्स है जो उसका मामा जी ने खरीद दिया है। उसको बहुत मज़ा आती है। मैंने उसको बता दिया, बाबा आज से तुम इधर बैठ के पढ़ाई करना। हाँ, देखिए, आप लोग देख रही है ना, अनु देखो पढ़ाई में बहुत मन है अनु का। बोला अलीफ, ए बी सी, वो उसको क्या है ना, इसका बहुत सारा बुक्स है जो उसका मामा ने खरीद दिया उसको। हर तरह का बुक्स है, एनिमल बुक्स है, वर्ड्स है, 1 2 3 का है, ए बी सी डी का है, अलग अलग टाइप का बुक्स है। बंगाली भी है, छोरा का बुक्स भी है। देखो अनु, इधर तो देखो एक बार, बाबा बाबा एक बार देखो। और सबसे बड़ी बात क्या है, देखो ये अनु का स्टडी टेबल है। मैं ऊपर ये छोटा फ़ोन लगा लिया है। ये देखो, इधर से अनु का बेलकुनी बाजू में है। बेलकुनी का देखो, ये सुंदर सुंदर घास और फ्लावर्स भी है इधर। ये सबसे बड़ी बात है अनु का स्टडी टेबल का, सुंदर है। अरे तो खचा, इस खचा का ये हमारा लल्ला जी है। लल्ला जी इधर देखो, अभी अभी मन खराब है क्योंकि आज अच्छा से सोया नहीं अनु जी ने। ये देखा अनु जी का, इधर का व्यू भी देखो, थोड़ा व्यू भी बहुत सुंदर है। ये अनु का छोटा मोटा निक्कर बनियान मैंने धो दिया कि दिन भर गीला करती है। तो मैंने सोचा भाई इसको वॉशिंग मशीन में डालने का क्या फ़ायदा है, सिर्फ शुशुई किया है, तो इसीलिए मैंने इसको धो के रखा है। आज आ गया है हमारा लल्ला। देखा है, हाँ बहुत सुंदर है। चढ़ के दिखाओ, चढ़ के दिखाओ अनु, चलो ऊपर चलो, ऊपर चलो, हाँ शाबाश, ऊपर चलो ऊपर। ये हमारा लल्ला है। सब हमारा लल्ला के लिए दुआ करना, ऐसे ही वो एक्टिव रहे, सुस्त रहे। और अनु का पढ़ाई का जो मन है, थोड़ा बड़ा हो के भी वो पढ़ाई करे। ओए देखो देखो, लॉक कर दिया। तो थैंक यू एवरीवन, कमेंट्स में ज़रूर बताना। हाँ।